पिछले क्लास में हम लोग ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और अभी पढ़ना है हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, मैं फिर भी हल्का सा रिकैप कर देता हूँ ताकि क्रिप्टो करेंसी समझ में आ जाए। बताने का मन नहीं है फिर भी बताना पड़ता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो ब्लॉकचेन क्या बताए थे, कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो एक ब्लॉक बन जाएगा, और फिर दूसरा होगा फिर ब्लॉक बन जाएगा, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से इंटीग्रेटेड रहेंगे, दैट इज चेन सिस्टम। इसलिए हम बोलते हैं ब्लॉक चेन, ब्लॉक 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 सब जुड़ा रहता है चेन चेन से, दैट्स कॉल्ड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और जैसे ही एक ब्लॉक बनता है तो उसमें हैश बनता है, हैशिंग, और हैशिंग क्या एक तरह से आइडेंटिटी कोड है, ठीक है, और उसके अंदर पहले का भी डेटा है, दूसरा ब्लॉक का भी डेटा है, इधर का भी ब्लॉक का डेटा है, इसलिए इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हैकर्स इस पर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, हम लोग नहीं, जो प्राइवेट जो प्लेयर बनाने की कोशिश करेगा वो बनाएगा, बात समझे ना। तो टोटल यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही टिका हुआ है क्रिप्टो करेंसी। देखो तो समझो, क्रिप्टो करेंसी का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है वर्चुअल करेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, जो कि तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी कि जो इंक्रिप्शन है, जिसको अनऑथराइज पर्सन हैक नहीं कर सकता है। यानी कि देखो जैसे व्हाट्सएप में इंक्रिप्टेड है, यानी कि हम तुमको क्या भेज रहे हो, तुम हमको क्या भेज रहे हो, तो हमें दोनों को ही पता है, तीसरा पर्सन बीच का नहीं देख सकता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन इज नथिंग बट इज अ क्रिप्टोग्राफी, समझे ना, विच मेक्स इट नियर इम्पॉसिबल टू टेम्पर विथ। और ये चूंकि क्रिप्टोग्राफी है, इंक्रिप्शन है यहाँ पे, तो कोई थर्ड पर्सन, अनऑथराइज पर्सन इस चीज़ को डिकोड नहीं कर सकता है, तो इसलिए वन ऑफ द सेफेस्ट वर्चुअल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व है, इंक्रिप्शन उसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है वर्चुअल करेंसी क्या होता है। वर्चुअल करेंसी तो बहुत तरह का हो सकता है, डिजिटल करेंसी भी होता है। तो डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी में क्या अंतर है, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वर्चुअल करेंसी समझो, वर्चुअल करेंसी का मतलब होता है इज अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी दैट इज ओनली अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब अनरेगुलेटेड यानी कि इस पर कोई RBI का कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, अनरेगुलेटेड है। इसको कौन चला रहा है, बस कुछ ही लोग चला रहे हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन चला रहे हैं, बट मान्यता नहीं मिला है इसको, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता मिला है, ना ही तुम्हारा RBI से मान्यता मिला है, जो सेंट्रल जो होता है तुम्हारा रेगुलेशंस उससे मान्यता नहीं मिलता है। तो ये अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। हाँ, स्टोर किया जाता है, ट्रांजेक्ट किया जाता है, बहुत सारा तरीका है, डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर से किया जाता है, ठीक है, मोबाइल फोन से किया जाता है, मोबाइल कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया जाता है, या फिर डिजिटल वॉलेट से किया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक तुम्हारा वर्चुअल करेंसी जाएगा उधर, ये जाएगा, और हम और तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो नहीं कि पूरा दुनिया एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारे और मेरे एक्सेप्ट करने से हो गया। तो इसका तरीका क्या है, इसका बहुत तरीका है, डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर से जा सकता है, ये ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, मोबाइल से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, कंप्यूटर से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, या फिर डिजिटल वॉलेट से किया जाता है, समझे। और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, वो बहुत ही सिक्योर्ड और डेडिकेटेड नेटवर्क है, यानी कि उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकता है। टेम्परिंग क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसके अंदर, और जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको टेम्पर करना। बताया था ना पिछले बार क्यों टेम्परिंग नहीं हो सकता है, हाँ, क्योंकि हैश है, सबको इन्फॉर्मेशन पता है, एक को करोगे पता चल जाएगा उधर, समझ गए। नंबर वन, तो वर्चुअल करेंसी का दो डेफिनेशन दिया गया, एक डेफिनेशन समझ गए, अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, ये ट्रांजेक्शन बहुत तरीके से हो सकता है, बट ये सिक्योर और डेडिकेटेड नेटवर्क पर होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, नंबर वन। दूसरा देखो, वर्चुअल करेंसी मतलब वर्चुअल मनी, एक तरह से अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी बहुत तरह का हो सकता है, डिजिटल करेंसी तुम्हारा ऑथराइज डिजिटल करेंसी भी हो सकता है, जैसे भारत सरकार, जैसे हम कुछ तुमको भेज रहे हैं कुछ पैसा, दैट्स अ डिजिटल करेंसी, हाँ, ई रूपी डिजिटल करेंसी है वो, है ना, UPI हम लोग यूज करके हम भेज देते हैं, दैट्स अ डिजिटल करेंसी, बट वो डिजिटल करेंसी ऑथराइज्ड है, ये अनऑथराइज्ड है, अनरेगुलेटेड है ये। तो वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल मनी मतलब अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है, इसको इशू करता है और जो कंट्रोल करता है उसका जो डेवलपर है, एक डेवलपर भी हो सकता है, 10 डेवलपर भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जो उसको स्वीकार करता है, एक्सचेंज करता है अपने ही मेंबर्स के बीच में, स्पेसिफिक वर्चुअल कम्युनिटी, यानी कि जो वो अपने ही मेंबर्स के बीच में करता है, और यदि मान्यता इसका बढ़ते जाएगा
तो बिटकॉइन पे भी इन्वेस्ट होते जाएगा, इसका मान्यता और बढ़ते चला जाएगा वर्ल्ड में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दो हो सकता है डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन बता चुके हैं, सेकंड डेफिनेशन फिर से समझो। ये अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है जो डेवलपर डिजाइन करता है, कंट्रोल करता है, इशू करता है, और इसका जो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, वो अपने स्पेसिफिक वर्चुअल कम्युनिटी के अंदर रहता है, जो बनाया है, जो उस चीज़ को स्वीकार करना चाहता है। ऐसे एलुमिनी ही इसको वो करेंगे, एंटरटेन करेंगे। तो थर्ड क्या है कि वर्चुअल करेंसी कुछ नहीं, एक सबसेट है तुम्हारा डिजिटल करेंसी का, जो कि अनऑथराइज्ड है, अनरेगुलेटेड है। मैं डिजिटल करेंसी ऑथराइज वाले भी हो सकते, जैसे इंडिया में देखो UPI हो गया, E-Rupee हो गया, जो कि RBI पूरी तरह, RBI क्या है, दोनों तरह का कोई दोनों तरह करेंसी अलाउ करता है, डिजिटल करेंसी भी और तुम्हारा ये तुम्हारा हार्ड करेंसी भी, हार्ड करेंसी में बोलता है, और यहाँ पे भी तुम्हारा UPI से ट्रांजेक्शन होता है, तो RBI कंट्रोल कर रही है ऊपर से, समझ रहे हो ना? ये तो क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है। अब इसमें समझो, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग समझे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे बेस्ड है। सही बात है, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज लेजर है। लेजर याद है ना, खाता बुक टाइप का, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे है, जो कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है। ए डिफाइनिंग फ्यूचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है क्रिप्टो करेंसी का, कि इसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती, इशू नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के इंटरफेरेंस से, सरकार के कंट्रोल से ये बचा हुआ है, कंट्रोल ही नहीं कर सकता है सरकार इसको। और यही सबसे बड़ा सरदर्द का बात है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन जितना बढ़ते चला जाएगा उतना RBI को चैलेंज होगा, समझे? यही कारण है कि RBI ने क्या किया, मतलब भारत सरकार ने क्या किया पिछले साल, कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है या फिर दूसरे हैं या फिर तुम्हारा NFT है, उसके ऊपर बोला कि टैक्स तो लगेगा बाबू, भले तुमको लीगलाइज किए नहीं किए, टैक्स तो लगेगा। बात समझे? तो क्रिप्टो करेंसी आर सिस्टम डेट अलाउ फॉर सिक्योर पेमेंट। देखो एक तरह से ये क्या है, तुम्हारा एक सिस्टम है जहाँ पे हम सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वर्चुअल टोकन्स को वो करके, वर्चुअल टोकन्स में एक्सपर्ट हो जाता है, मतलब एक्सप्रेस हो जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझो अच्छे से, थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो करेंसीज आर सिस्टम दैट अलाउ फॉर द सिक्योर पेमेंट, सिक्योर पेमेंट तो होगा ही, ब्लॉकचेन से तो बहुत सिक्योर पेमेंट हो जाएगा ऑनलाइन, विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वर्चुअल टोकन्स। टोकन देखो फिगर दिया है ना, उस तरह टोकन्स, अरे तुम लोगों को पता नहीं होगा, मुझे अभी का नहीं पता है, एक डेढ़ साल पहले, अभी घट गया है बिटकॉइन का वैल्यू, घट गया है। एक टाइम में एक बिटकॉइन का दाम 25 लाख हुआ करता था, 25 लाख इंडियन करेंसी में, 25 लाख, समझ रहे? एक टोकन है, वर्चुअल टोकन से आएगा, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेजर एंट्रीज टू द सिस्टम। यानी कि एक बिटकॉइन आया, इसका मतलब क्या है, सिस्टम में एक जुड़ा है। लेजर का मतलब क्या होता है? हाँ, जहाँ से तुम वो कर सकते हो। और इसके लिए भी दो होता है, एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट की होता है, एक पब्लिक की होता है। विल सी क्रिप्टो करेंसी मेक इट इजियर टू ट्रांसफर फंड्स, इसलिए बहुत आसान हो गया। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, दो पार्टी के बीच में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एक पार्टी अपना क्रिप्टो करेंसी उसको दे सकता है, वो भी इसको दे सकता है, और इसके लिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, बैंक की जरूरत नहीं है। देखो अभी क्या होता है, अभी इधर देखो, ध्यान दो, अभी तुम पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो तुम्हारा बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा, है कि नहीं है? जैसे मान लो कि तुम्हारा भी कोई बैंक होगा, तुम किसी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तुम्हारा किसी बैंक का मदद चाहिए, तब जाकर फिर दूसरे बैंक में जाएगा, तब उसके पास पहुँचेगा। ये जरूरत नहीं है इसमें, बैंकों को कुछ नहीं, कुछ इंटरमीडिएट नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमारे पास बिटकॉइन है, हम आपको दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट पहुँचेगा, कोई इंटरमीडिएट का जरूरत नहीं है, वही बताया गया। ये क्रिप्टो करेंसी मेक इट इजियर टू ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज विदाउट द नीड फॉर अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी लाइक अ बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी, समझ गए ना? क्रिप्टो, अब क्रिप्टो का मतलब क्या है, जैसे बोले ना इनक्रिप्शन, क्रिप्टो का मतलब होता है एल्गोरिदम, मतलब प्रोग्रामिंग, जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ताकि हमारा सेफ रहे, समझे ना? डेट सेफ गार्ड दिस एंट्री, जो भी एंट्रीज हो रहा है, यानी कि हैशिंग, एग्जांपल हैशिंग बताया था ना पिछले क्लास में, हैशिंग का मतलब क्या है, इनक्रिप्टेड है, उसको फिर टेम्परिंग नहीं किया जा सकता है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है इनक्रिप्शन, कौन सा इनक्रिप्शन, जो एल्गोरिदम का इनक्रिप्शन है, यानी कि प्रोग्रामिंग करके, और इस तरह का प्रोग्रामिंग किया जाएगा, इस तरह का प्रोग्रामिंग किया जाएगा कि एकदम वो पूरा इम्यून है, पूरा सेफ गार्ड है, उसको कोई तरह का टेम्परिंग ही नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक हैशिंग। सम ऑफ द क्रिप्टोग्राफी यूज इन द क्रिप्टो करेंसी टूडे वॉज, आप देखो गजब बात है कि बहुत सारा जो क्रिप्टो करेंसी है अभी कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री में नहीं, पूरा वर्ल्ड में, जो बिटकॉइन है, ये सब एक्चुअली ये जो क्रिप्टोग्राफी वाला जो लाया है टेक्नोलॉजी, ये पहले मिलिट्री में यूज़ होता था, उसको यूज़ किया गया। जैसे इंटरनेट देखो, इंटरनेट भी तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री में यूज़ होता था, वो अभी पूरा वर्ल्ड में खोल दिया गया ना। ऑन सिमिलर लाइन, जो क्रिप्टो करेंसी में जो क्रिप्टोग्राफी जो यूज़ किया जाता था, वो एक टाइम में मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता था, समझ गए? द फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, पहला बिटकॉइन ही है। अभी देखो बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी वैल्यू घटा है, मगर बिटकॉइन जानता है, हर कोई जानता है, और स्टिल सबसे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वैल्यूएबल है,
एज कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज। देखो फॉर ट्रांजेक्टिंग ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क द यूजर मस्ट रन ए प्रोग्राम कॉल वॉलेट। हाँ, यदि आपको ट्रांजेक्शन करना है, यदि आपको उस नेटवर्क में आना है, बिटकॉइन के नेटवर्क में आना है, तो आपको एक प्रोग्राम को रन करना होगा। द यूजर मस्ट रन ए प्रोग्राम कॉल वॉलेट, और इस वॉलेट में दोनों ही होते हैं, दोनों ही की होते हैं, पब्लिक की होते हैं और प्राइवेट की होते हैं। तो यदि आपको बिटकॉइन के नेटवर्क से जुड़ना है तो आपको वॉलेट में आना होगा। और वॉलेट में दो तरह का की होता है, की मतलब एक तरह से पासवर्ड है, की है, चाबी, दो तरह का चाबी होता है, उसके अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो दो तरह का चाबी क्या होता है, एक प्राइवेट की होता है, एक पब्लिक की होता है। समझते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक की होता क्या है। देखो पब्लिक जो की है, पब्लिक मतलब सबके लिए, और प्राइवेट मतलब अपना। देखो जैसे अभी तुम लोग का भी फेसबुक सब होगा, इंस्टाग्राम होगा, दुनिया भर का चीज़ होगा, तो तुम लोग पासवर्ड रखते हो ना, वो किसी को बताते नहीं हो, डैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट की। ठीक है, देखो पब्लिक की जो है वो प्राइवेट की से ही बनता है, प्राइवेट की से ही पब्लिक की बनता है। ये मैं बताऊँगा, समझते रहो। द पब्लिक इज जनरेटेड फ्रॉम द प्राइवेट की, और कैसे बनता है, ये कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम से बनता है, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता है। यानी कि प्राइवेट की पब्लिक की से नहीं बन सकता है, प्राइवेट की से पब्लिक की बनता है, बट पब्लिक की से प्राइवेट की नहीं बनेगा। दो की है, दो चाबी है, समझो सिंपल, दो चाबी है, और जो पब्लिक की है वो प्राइवेट की से बना, बट प्राइवेट की से पब्लिक की नहीं बनेगा। इसका रीजन है, देखो पब्लिक की अपीयर्स ऑन द ब्लॉकचेन लेजर एज द यूजर डिजिटल सिग्नेचर। अब जो पब्लिक की है, जो पब्लिक की जो कि प्राइवेट की से बन रहा है, समझे ना, वो तुम्हारा ब्लॉकचेन लेजर में तुमको दिखेगा। ब्लॉकचेन लेजर मतलब कहाँ, जहाँ से तुम ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो, जो कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे देखो यूजर डिजिटल सिग्नेचर, तुम्हारा सिग्नेचर वगैरह रहेगा। बताए थे ना पिछले क्लास में, सिग्नेचर वगैरह रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, और वहाँ पे तुम पब्लिक की के हवाले वो यूज़ करके तुम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, बिटकॉइन डिपॉजिट कर सकते हो उस जगह पे। बात समझ में आ रहा है ना। तो पब्लिक की जो कि तुमको ब्लॉकचेन लेजर में दिखेगा, जहाँ पे तुम पैसा जमा करना चाहते हो, ठीक है, और पब्लिक की को यूज़ करके कितना भी तुम बिटकॉइन वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। मगर मैं तुमको वहाँ से यदि निकालना है तो तुम पब्लिक की से नहीं निकाल सकते, तुमको प्राइवेट की से निकालना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा एक तरह से पासवर्ड है। और इन केस तुम प्राइवेट की भूल गए तो तुम्हारा पैसा गया सब, जो कि तुम डिपॉजिट किए थे पब्लिक की से, और तुम भूल गया प्राइवेट की, अपना निकालने के लिए प्राइवेट की इंपॉर्टेंट है, मैं तुम प्राइवेट की भूल गया तो गया तुम्हारा, तो जितना भी डिपॉजिट है सब तरफ चला गया तुम्हारा, समझ गया ना। देखो समझो यहाँ पे, अच्छे समझो ये चीज़ को। द पब्लिक की अपीयर्स इन द ब्लॉकचेन लेजर, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक की रहेगा, वो यूजर डिजिटल सिग्नेचर है, और मतलब हमारा डिजिटल सिग्नेचर होगा जो भी यूजर यूज़ करना चाहता है, और इसको एसेस करके, पब्लिक की को यूज़ करके हम बिटकॉइंस वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, सही बात है। बट यदि विड्रॉ करना होगा तो उसके लिए हम बिना प्राइवेट की से नहीं कर सकते, हमें प्राइवेट की का आवश्यकता है। यदि मान लो कि यूज़र मिसप्लेस कर दिया अपने प्राइवेट की को, तो वो बिटकॉइन से पैसा नहीं निकाल सकता है, बिटकॉइन जो वॉलेट है वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकता है, हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और ऐसा घटना हुआ है, तो इसके जो प्रमोटर थे वही भूल गया था प्राइवेट की, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये 2 साल पहले की बात है। टुडे अभी तो देखो, चलो ठीक है, बिटकॉइन को देखते देखते पीछे से और भी बहुत दौड़ते हुए आए, थाउजेंड्स ऑफ है अभी तो, बहुत थाउजेंड्स ऑफ अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी है, इसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। बिटकॉइन जो लॉन्च किया गया था 2009 में किया गया था, और अभी तक किसी को नहीं पता है कि कौन इसका प्रमोटर है। कई लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल है, कई लोग कहते हैं ग्रुप है, बट ये तुम्हारा सेडोडम है, मतलब फेक नेम्स, सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो, ये एक फेक ग्रुप दिया गया है। मगर किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन बनाया किसने था, किसने डिजाइन किया था, एक आदमी था, एक ग्रुप ऑफ पर्सन था, तो फेक दे दिया कि चलो भाई ये होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन बनाया किसने, समझ गए। तो थोड़ा बिटकॉइन पे काम भी देख लेते हैं, बिटकॉइन का क्या आंकड़ा है। देखो यदि मार्च 2021 कर ले, यानी कि 1.5 साल पहले तक कर ले, लगभग 18.6 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में थे, बहुत ज़्यादा हुआ, इसका मतलब $927 बिलियन का तुम्हारा सर्कुलेशन था वर्ल्ड में, समझ गए ना। और देखो इतना ही नहीं, जो बिटकॉइन का सक्सेस देखते हुए बाकी बिटकॉइन भी दौड़ना शुरू, मतलब बिटकॉइन की तरह बाकी भी क्रिप्टो करेंसी आना शुरू हो गया, यानी कि सम ऑफ द कंपीटिंग क्रिप्टो करेंसी स्पॉन बाय द बिटकॉइन सक्सेस, यानी बिटकॉइन का सक्सेस को देखते हुए बहुत सारा और भी आगे क्रिप्टो करेंसी, जैसे एग्जाम्पल देखो अल्ट कॉइन्स हो गया, अल्ट कॉइन का एग्जाम्पल देखो लाइफ कॉइन है, पियर कॉइन है, डोजी कॉइन है, इथरम है, कार्डोना है, और ईओएस, ये सब तुम्हारा बिटकॉइन को कॉपी करने के चक्कर में ये भी आया, अभी बहुत पीछे है ये, बिटकॉइन बहुत आगे, अभी भी स्टिल बहुत आगे है बिटकॉइन। अभी देखो, अभी देख सकते हो
यदि हम पूरा क्रिप्टो करेंसी का एग्रीगेट वैल्यू ले दुनिया का, तो इसका क्रिप्टो करेंसी ये ट्रांजेक्शन दिखाया है 2021 में पूरा, यदि हम ले उसको एसेट के रूप में, ठीक है, एग्रीगेट टोटल वैल्यू करे, लगभग वर्ल्ड में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का वो है एसेट, समझा, भारत का आधा GDP, ठीक है। और रिसेंट टाइम में देखो बिटकॉइन करेंटली रिप्रेजेंट्स मोर देन 60% ऑफ टोटल वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या, बिटकॉइन करेंटली रिप्रेजेंट्स मोर देन 60% ऑफ टोटल वैल्यू। तो बिटकॉइन इस लेवल पे आ गया है। और हाँ, अभी बिटकॉइन अलग बात है कि बिटकॉइन अभी कम हुआ है, समझ रहे हो ना, तो बिटकॉइन मतलब गया है। और उसके बाद देखो, मैं और ऐड करता हूँ, उसके बाद देखो एलन मस्क का ट्वीट आ जाना कि बिटकॉइन में हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो और आदमी दौड़ते हुए जाएगा उसमें।